और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सूरजपाल के समर्थकों ने धमकी दी है। समर्थकों ने मरने मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बाबा पर हाथ डाला तो आंदोलन होगा। सूरजपाल के समर्थकों ने अलीगढ़ के आश्रम में मीटिंग की है। सूरजपाल के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बाबा सूरजपाल के समर्थकों की ये धमकी। उन्होंने कहा कि बाबा पर हाथ डाला तो आंदोलन होगा। नारायण साकार हरि उफ सूरजपाल बाबा, मैं इस वक्त अलीगढ़ में उनके आश्रम पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप समर्थक देख रहे हैं ये बाबा के भक्त हैं, बाबा के अनुयायी हैं। ये तकरीबन पिछले 20 से 25 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं और अब इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन या शासन ने बाबा पर हाथ डाला तो इस सड़कों पर उतरकर बड़ी तादाद में आंदोलन करेंगे। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे आप इस वक्त, आप यहाँ पर किस तरीके की बैठक कर रहे हैं और आपने क्या कहा है, क्या बताएंगे आप? बढ़िया बैठक कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं हमारे, और कोई बात नहीं है कि पाखंडी लोग हैं जो कि मांस मदरा खा करके बाबा की बदनामी कर रहे हैं। और हम यदि कोई भी बात बनी तो हम बिल्कुल सड़कों पर उतर आएंगे, मारवे को तैयार रह जाएंगे बिल्कुल। एक मिनट भी नहीं। आपने आज बैठक क्यों करी है यहाँ पर? क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि आपको बाबा के आश्रम पर बैठक करनी पड़ी? हमने बाबा के मन इसलिए बैठक की जरूरत करनी पड़ी, ये सभा हमने इसलिए जोड़ी क्योंकि मतलब यहाँ पे ये जो है पाखंडी लोग हैं, नई नई तरह की चर्चा कर रहे हैं कि वो ऐसी है कि वो ऐसी है कि वो घटना होती है। इस वजह से हम रोज यहाँ पर रोज करेंगे, हम अभी तो कम है और ज्यादा भीड़ जो दिन पे दिन जो भीड़ जुटाएंगे और उनको जो निर्दोष है उनको जो सरकार के खिलाफ हम सरकार उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलेंगे। क्या क्या चाहते हैं अगर आप? हम ये चाहते हैं बाबा पर अगर आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई तो सड़क पर उतरेंगे, किस प्रकार से उतरेंगे? बाबा निर्दोष है, बाबा भाई जो निर्दोष है पहले भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे, बाबा को कोई दोष नहीं उसमें। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, बाबा के समर्थकों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है और वो तो यहां तक कहने पर आमादा है कि हम सड़क पर उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो जान भी देने के लिए तैयार है। जी निश्चित रूप से, मैं इस वक्त यहाँ पर बाबा के आश्रम पर ही मौजूद हूँ और यार कई यहाँ पर बाबा के समर्थक मौके पर मौजूद हैं जिन्होंने आज अहम बैठक करी और ये रोज बैठक करेंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर बाबा पर किसी ने हाथ डाला तो इस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, मरने और मारने के लिए ये तैयार है। यहाँ कुछ भक्त ये भी कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का हाथ है जिन्होंने सरकार की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया है। वे प्रशासन और शासन से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को भी चिन्हित किया जाए जिन्होंने इस तरीके की यहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो ये एक बहुत अहम बात अब निकल कर आई है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बाबा के भक्तों का कहना है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर अभी एकत्रित हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये रोज बैठक करेंगे और बैठक सिर्फ इसलिए की जाएगी कि अगर बाबा पे हाथ डाला तो ये सड़कों पर उतर आएंगे, आंदोलन करेंगे। और इन लोगों का कहना है कि हम जीटी रोड या मुख्यालय ये जाम कर देंगे लेकिन बाबा को कुछ भी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरे मामले पर एसपी का क्या कुछ कहना है सुनिए। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं, जिसमें जो भीड़ भदड़ हुई है इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ उपद्रवी लोग उसमें इकट्ठे हुए थे, उन्होंने की वजह से यहाँ पर भीड़ में भदड़ मची और लोगों की जान गई है। इसमें एक सरकार और प्रशासन दोनों का ही दोष है। उन्होंने प्रशासन को कम तरीके से भेजा, 69 पुलिसकर्मी भेजे थे, उन्होंने क्या होता है 80,000 लोगों में कम से कम 700-800 पुलिसकर्मी भेजने थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है।